हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है किसान बागवान चैनल पे। तो आज आपको फिर से दिखाएंगे ये जो पौधे हैं, ये है हमारे 5 साल का, ये पूरा पौधा हो चुका है। और ये जो वैरायटी है ये जेरो माइन है, इस साल इसमें सैंपल शायद आ जाएगा। तो ये प्लांट कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, जिसके टहने हैं सारे ही नीचे से रखे हुए हैं। तो इनको मैं सभी को फिलहाल निकाल दूंगा, क्योंकि बहुत नीचे है ये और छोटे खेत है ये यहाँ ज़्यादा। और इसको आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं, इस तरह की ये जो लकीरें सी होती है ये आप देख सकते हैं, अगर इसको ज़्यादा ज़ोर से खींचेंगे तो यहाँ से फट जाएगा। तो इस तरह के टहने आप देख सकते हैं, ये इसने, अगर मैं दूर से दिखाऊं आपको, पूरा लीडर है जो वो ख़राब इसने कर दिया है। तो इसको आपको निकाल के ही फायदा है। और इस तरह से आप इसको निकालेंगे, ये जो आपकी ऊपर वाली साइड होती है कैंची की, ये इससे टच करेंगे और नीचे वाली थोड़ी बाहर को रखेंगे। इस तरह से हम इसे कट कर देंगे। और बहुत से भाई, जब मैं इतने बड़े कट करता हूँ तो वो बोलते हैं कि आपकी कैंची कौन सी है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ये फ्लोरा की कैंची है और 700 से 1000 रुपए के बीच में ये पड़ती है, रेट अप डाउन चले रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप चाहे ले सकते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें वहाँ पर होती है, अमेजोन का लिंक होगा तो वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये निकाल दिया है। नेक्स्ट ईयर इसको आपको हम दिखाएंगे भी कि इसमें ये जो ये है इसका, ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बाकी अब इसमें टहने से ही है, तो यहाँ से इसको अब हम लीडर में कन्वर्ट कर देंगे। इस वाले को ही हमने लीडर बनाना है, नहीं तो वो लीडर बन रहा था। आइज का आप इस तरह के उसमें विशेष ध्यान रखें। अभी तो खैर इसमें सैंपल नहीं आया, इस वजह से ग्रोथ है। जैसे ही सैंपल आना स्टार्ट होगा, ग्रोथ थोड़ी इसकी कम हो जाएगी। और इन दो को मैं निकाल दूंगा, ये आप देख सकते हैं ये इस तरह से। तो बाकी शायद इसमें सैंपल एक दो आ जाए कहीं पर। तो ये वाला प्लांट आप देख सकते हैं हो चुका है। उसके बाद ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल सही प्लांट है, सही जगह से इसमें आया है। और ये वाला टहना आप देख सकते हैं, ये कंपटीशन दे रहा है इसको। तो इस तरह के टहने को आप बैंड कर दे या फिर निकाल दे, तो हम इसे बैंड करेंगे। बाकी हम इसे ज़्यादा नहीं काटेंगे, उसे काटना पड़ता था क्योंकि वो कंपटीशन दे रहा था। और ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह के बोरर लग गया है। तो इसको आप यहाँ से या तो निकाल दे अगर आपको प्रॉब्लम है, या फिर इसमें आप कीटनाशक वगैरह डाल के, ये आप देख सकते हैं रिंग यहाँ लग गया है, बोरर अंदर गया है। तो इसको आप इसमें तेल वगैरह या कीटनाशक डाल के इसे आप मार सकते हैं, या फिर आप पेट्रोल डाले इसमें और फिर बाहर से लाइटर से किसी भी माचिस से आप इसमें आग लगा दे। तेल डालने के बाद तो जो वो होता है वो मर जाता है, उसमें बाल से होते हैं। वैसे तो वो भी मर ही चुके हैं इस साल ज़्यादा ठंड की वजह से। मैंने काफ़ी जगह देखा अंदर काट के तो नहीं मिले। उसके बाद ये आप यहाँ देख सकते हैं एक और प्लांट, तो ये आप देख सकते हैं इसे भी उसी तरह से कट किया था, पर ये फिर से अगर इसे मैं बेंड करूंगा तो ये इसी तरह से बेंड होगा और बहुत नीचे है। तो इसको मैं फिर दोबारा से निकाल रहा हूँ थोड़ा इस तरह से बाहर से। यहाँ देख सकते हैं आप, एक से दो आगे, तो यहाँ पर सिर्फ हम बड लेंगे। ये टहना सही है तो इसमें हम हेडबैक यहाँ से दे देंगे इस तरह से, इसको हम यहाँ से रोक देंगे। सेकेंडरी टहना है, इसको इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। और कुछ भाई बोल रहे थे कि रोज आपको इस तरह की वीडियो नहीं बनानी, तो आजकल और दूसरा कोई काम ही नहीं है ग्राफ्टिंग का। बीच में जब वो ग्राफ्टिंग होगी तो बहुत से भाइयों के लिए सभी एक वीडियो सब तक नहीं पहुंच सकती। कुछ भाई ये वाली देखेंगे, कुछ पहले वाली देखेंगे। तो ये भी देख सकते हैं आप, बैंड हो सकता है, तो इसको भी मैं नहीं निकालूंगा। वैसे ये भी कंपटीशन देने वाला है। यहाँ से मैंने निकाले थे तो दो टहने आगे, इन दो को भी हम बना सकते हैं। इस तरह से इसे निकाल दिया मैंने यहाँ से, इसकी सही आइज देख के। और ये 5 साल के ये पौधे हैं, आप देख सकते हैं ये बहुत ही सही जा रहे हैं, कोई इसमें बेंडिंग नहीं है, कुछ नहीं है, विदाउट बेंडिंग ये चला है इसका काम। और जो लीडर के साथ इस तरह की आप देख सकते हैं, यहाँ बीमा था, बीमे के बाद और टहना आया, तो इनको आप टहना बनाए। इसमें आपने पिन्ने नहीं छोड़नी, बहुत से भाई मैंने देखे वो यहाँ पर पिन्ने छोड़ रहे हैं जो आपका लीडर है। तो लीडर में पिन्ने वगैरह आपको नहीं छोड़नी है। आपको एक दो पौधा मैं और दिखा देता हूँ, उसके बाद आप एक और प्लांट, दो प्लांट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी सही चल रहा है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंगल ही इसको करना है।
बाकी अगर आप बेंड करेंगे तो आपका जो ये प्लांट है ये ज़्यादा सही हो जाएगा। इस वाले को मैं टहना बना दूंगा, फंदे को मैं निकाल दूंगा इस तरह से ताकि ये इसको कंपटीशन ना दे। ये वाला प्लांट भी आप देख सकते हो चुका है, और ये जेरोमाइन के हाल रहते हैं, कहीं वहाँ ठीक है, यहाँ शायद सैंपल लग गया होगा एक आधा, तो इसके बाद इसमें ग्रोथ कुछ कम ही है। इस साल इसको देख लेंगे क्योंकि इसमें शायद सैंपल लग जाएंगे, फिर इसे नहीं चलता या साइज नहीं बनता तो इसे बदल देंगे। वैसे यहाँ पहले जो लगे थे सैंपल उसमें यहाँ जेरोमाइन बिल्कुल नहीं चला। आज 8,000 यहाँ एलिवेशन है फीट पे। ये भी देख सकते हैं आप, एक और पौधा, तो इसको तो ये तो चला ही गया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये भी ग्रोथ नहीं कर रहा, लीडर इसका जा चुका है, तो ये दोनों मेरे को निकालना ही पड़ेगा, फिर शायद ये आ जाए। वैसे इसे बदलना ही पड़ेगा। तो दोस्तों एक और पेड़ है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, आप देख सकते हैं ये मुड़ गया है, जो इसका लीडर है वो खराब हो चुका है। तो इस तरह के उसमें आप जहां आपके लीडर इस तरह से टेढ़े हो जाए, एक डंडा ले आप, उसे यहाँ बांध दे इस तरह से लंबा डंडा, और ताकि वो इसके साथ इस तरह से उसे सीधा कर ले। एक जगह आप नीचे बांधे यहाँ से सीधा है, और एक जगह इस तरह से करे ताकि ये सीधा आ जाए। देख आप देख सकते हैं यहाँ से ऐसे बेंड हो गया था, तो इसमें ये वाली रिंगे है, ये वाटर शूट आना स्टार्ट हो गए। तो ये इसकी जो ब्रांच है वो नीचे से ही, ये पौधा गलत है, आप देख सकते कितने नीचे इसमें टहने हैं। तो इस तरह के टहने आपको निकालनी है। तो इस तरह से यहाँ से ये कट हो जाएगा, इसको यहाँ से कर दिया मैंने, बाकी इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। अभी देख सकते आप ये टेढ़ा है, इस तरह से डंडा बांध के इसको सीधा कर लेंगे, और यहाँ पर मैं हेड बैक इसमें दे देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से ये भी है, ये आप देख सकते हैं ये टहना पार यहाँ धरती में टच हो रहा है, तो इसको यहीं से कहीं बीमे के पास मैं फिलहाल रोक देता हूँ, क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है यहाँ पर टहने की। और इसको हम बना देंगे टहना यहाँ से, इसमें बीमे निकाल देंगे इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। तो ये वाला पौधा भी हो चुका है, उसके बाद यहाँ फिर से आप देख सकते हैं ये वाला टहना भी ऐसा है, ये नीचे से इसमें ब्रांचेस रखी हुई है, तो इसको निकाल के ही फायदा है। ये परे वाली ब्रांच में रहने दूंगा, ये थोड़ी यहाँ पर स्पेस भी है आप देख सकते हैं, बाकी इसमें यहाँ से इसको बीमे के पास से निकाल देंगे, इसमें इस तरह से हेड बैग, यहाँ भी हेड बैग दे देंगे इस तरह से। इस वाले को भी टहना बनाएंगे, ये साथ में है, कंपटीशन देता है, यहाँ पर आप बेंड ना करें। मैंने भी किए थे तो आपको मैंने दिखाया है, वो दूसरी जगह है जो बगीचा, वहाँ पर वो दिक्कत आई तो अब हमें निकालने पड़े। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आप लोगों तक पहुँचते रहे। आप हमारे को इंस्टा फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।